धर्म और अध्यात्म नगरी काशी बेहद ही खास है और शायद यही वजह है कि यहाँ के रहने वाले लोग भी खास हैं। हम आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताएंगे जिसने घाट को ही कोर्ट बना दिया और यहीं पे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगा। खुद नेशनल के खिलाड़ी रह चुके राधे यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि सुबह होते ही यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और यह प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इसमें लड़कियां भी हैं और इसमें जो खिलाड़ी बहुत हैं वो नेशनल तक भी खेल चुके हैं। ऐसा वो केवल इसलिए करते हैं कि आने वाले दिनों में जो खिलाड़ी हैं उनको अगर अच्छे कोच नहीं मिल पाते हैं तो कोच के रूप में काम करते हैं और यहीं के लड़के, इनका मकसद है कि नेशनल और इंटरनेशनल तक खेलें। वाकई शिव की इस अद्भुत नगरी के रहने वाले लोग भी अद्भुत हैं। मैं बीएचयू से बॉक्सिंग करता हूँ। मेरे कोच राकेश पांडे सर और राधे भैया हैं और मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैंने 4-5 स्टेट खेले हैं, उसके बाद उसमें मेरा गोल्ड है, सिल्वर है। अभी मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए विद्यापीठ से मेरा सिलेक्शन हुआ है। हमें कोचिंग राकेश पांडे सर और राधे भैया ही देते हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ। और ये बीएचयू में भी कोचिंग देते थे, यहाँ पे घाट पे भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी मुझे 6-7 साल हो गया बॉक्सिंग करते हुए। अच्छा आपको एक कोच मिला आज? ये राकेश पांडे सर और राधे भैया जो हैं एकदम बहुत अच्छे कोच हैं, यहाँ पे यूपी के सबसे अच्छे कोच में जाने जाते हैं। और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल से लेके ग्लव्स पैड भी नहीं रहता, सब कुछ मुझे देते हैं और ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। बस ये कहते हैं कि अच्छा करो, मेहनत करो। अभी मैं 16 से 25 दिसंबर तक 28 जालंधर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होने वाला है, वहाँ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है विद्यापीठ से। तो मैं जाता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा और अपना बेस्ट दूंगा और अच्छा करूँगा, मेडल लाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब एकेडमी नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए यहाँ पे है। और अब बच्चे भी बहुत काम होते हैं और सर इतने सपोर्टिव है कि मतलब कराते, चाहे जहाँ जगह मिले अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं। तो क्या लगता है, क्या फीस है यहाँ? फीस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मेहनत और डिसिप्लिन रहना चाहिए, फीस नहीं लगती। अब तो आपने कहाँ कहाँ तक खेला है? हम अभी स्टेट खेले, स्टेट में मेडल है, नेशनल में पार्टिसिपेट है, अभी यूनिवर्सिटी खेले जा रहे हैं, अभी सेलेक्ट हुए हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं। सर, छत और वो जो रिक्वायरमेंट के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, जो ना हमारे पास है ना हमारे बच्चों के पास। मैं उन बच्चों को लेकर आता हूँ जिनमें थोड़ी टैलेंट है और मैं उनको सिखा के आज एक अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, वो वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। सुख सुविधाओं के चक्कर में सर हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। और घाट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ बच्चों को सब कुछ करा सकते हैं। यहाँ ताज़ी हवा मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, यहाँ हमें हार्डवर्क करने के लिए स्टेयर मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो घाट में हमें मिल सकती है। बात करें तो आपने पाठशाला क्यों शुरू की और अब तक कितने लोग कहाँ जा चुके? सर, हमने पाठशाला अपने गुरु, मेरे जो कोच हैं राकेश पांडे जी, उन्होंने मुझे सिखाया और मैं उसके बाद जब एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल खेल के जब मैं आया तो मुझे लगा कि चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है प्लेयरों को जो नहीं मिल पाती हैं टाइम पे। तो जो चीज़ मुझे भी नहीं मिल पाई तो मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा है वो एक नाम नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ये नहीं पता कि सामने वाला बॉक्सर है। मैं उस चीज़ों को लोगों को सिखाऊंगा, मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा जिनके पास अच्छे कोच के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उनको लेके आऊंगा, उनको सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा गेम क्या है। ये गेम है और इसको जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना हमें भी, आज तक हम सीख ही रहे हैं, हमने पूरा सीख के नहीं रखा है, लेकिन जब भी आप ट्रेनिंग पे उतरते हो, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए उतरते हो, कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो वो किसी बच्चे से या किसी कोच से या किसी और प्लेयर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे पास है थोड़ा सा वो मैं सबको दूँ। स्टूडेंट हमारे जो सब जूनियर बॉक्सरों को सिखा के मैं जूनियर में लाया, खेलो इंडिया खेल रहे हैं, नेशनल टीम में हैं। अभी एक प्लेयर है पीछे आकाश जायसवाल करके, वो महात्मा गांधी अंतर यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें ऑल इंडिया टीम जो हमारे यहाँ एलपीयू जा रही है, 170 यूनिवर्सिटी आती है, उस स्पर्धा में एफिलेटेड कॉलेजों में 70 लोगों में से मैच जीत के और अपना सिलेक्शन कराया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि।